इन्हीं दोनों बाइक्स के ऊपर ना वीडियो होने वाले, यह है 155 सीसी, यह है 199 सीसी। हाईवे पे जाएंगे और वहाँ पे टेस्ट करेंगे कि ड्यू 200 और MT15 दोनों में से बाइक कौन सी जीत सकती है। व्हील कवर लगाने से कोई आपको बताएगा नहीं कि व्हील कवर से क्या इफेक्ट पड़ जाता है। मैं पहले गियर पे 45 MT15 और ड्यू 200 है 44। तो गाइस ड्रैग रेस काफी खतरनाक होने वाला है, ग्रूट और यहाँ पे बीस्ट, तो इन्हें दोनों बाइक्स काफी क्रेजी राइड होने वाली है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप एकदम बढ़िया होंगी और बढ़िया होनी चाहिए। सो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत देख रहे गुड आफ्टरनून से हो रही है और अपनी लोकेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का व्लॉग ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इन 20 दिन से ना बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी, बट 3 दिन से लगातार धूप आ रही थी, काफी अच्छा मौसम हो गया और यहाँ पे आ रखे हम वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे रोशन भाई है, वो देखो भाई और उनकी बाइक्स है। तो आज इन्हीं दोनों बाइक्स के ऊपर ना वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को भाई एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यार आज की वीडियो में बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। आज इन दोनों बाइक्स के ऊपर ना ड्रैग रेस होने वाली है। इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक जीतती है वो आपको एंड में बताऊंगा। तो इन दोनों बाइक्स के ऊपर ना वीडियो होने वाले, ये है 155 सीसी, ये है 199 सीसी, बट ड्यू टू 100 काफी अच्छा है। हमारी कौन सी कम है। रेस लगाया था, मेरा वाला आगे निकल के जा रहा था, गाइस अभी जा रहा था 200 सीसी और ये अपना 155 सीसी जीत रहा था, अभी रेस लगा रहे थे। सो गाइस अभी ना हम दो आ रहे थे तो थोड़ा सा हमने रेस लगाई है, बट वहाँ पे MT15 थोड़ा सा आगे चलेगी। बिकॉज मैं बता देता हूँ कि मैंने जो व्हील कवर लगाया ना, व्हील कवर लगाने से गाइस कोई आपको बताएगा नहीं कि व्हील कवर से क्या इफेक्ट पड़ जाता है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आ रही ना, फेस करना पड़ रहा है व्हील कवर का, उस टॉप एंड स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। पहले गियर पे 45 MT15 और पहले गियर पे ड्यू 200 है 44। तो गाइस देख सकते हो अभी हम दोबारा ड्रैग रेस करेंगे और आज का ड्रैग रेस काफ़ी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यार यहाँ पे ग्रूट और यहाँ पे बीस्ट, तो इन्हें दोनों बाइक्स काफ़ी क्रेजी राइड होने वाली है। तो हाईवे पे जाएंगे और वहाँ पे टेस्ट करेंगे कि भाई ड्यू 200 और MT15 दोनों में से बाइक कौन सी जीत सकती है, बाइक विनर होती है, तो वो आपको एंड में पता चलेगा। तो चलो रोशन भाई हैं टॉप एंड में, पता नहीं अब पता चलेगा कि भाई की ड्यूक 200 और MT15 में लगा रखा है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट और ड्यूक में लगा रखा है व्हील कवर, तो व्हील कवर से भाई क्या इफेक्ट पड़ गया वो तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। तो बाकी चेक करेंगे आज प्रॉपर कि MT15 और ड्यूक 200 में से कौन सी बाइक विनर होती है, तो वो तो पता ही चलेगा आपको जब एंड तक आप व्लॉग देखोगे, कौन विनर बनती है वो एंड में बताऊँगा मैं आपको। सो गाइस अभी वो देखो भाई, देख रहे हो फटफटिया दोस्त। सो गाइस अभी डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट आपको हाईवे पे मिलते हैं पे आगे और बाकी टेस्ट करेंगे MT15 और ड्यूक 200 टॉप एंड स्पीड। जीत गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता भाई। भाई MT का पीछे छुड़वा दिया भाई, ड्यूक है भाई ड्यूक, भाई राशन भाई को हमने पीछे छुड़वा दिया भाई, वो भाई आगे भाग गई भाई। ट्रैफिक हो रहा है ना गाइस, ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है यार, देखो आगे चला गया वो। अभी बताता हूँ तेरे को भाई क्या होता है। ओ भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यार गाइस, गाइस MT भाई MT जीत रही है। और एम्बुलेंस आ रही है हमारे आगे, तो गाइस यार दिक्कत आ रही है थोड़ी सी रेस करने में, क्योंकि बिकॉज यार गाड़ियाँ इतनी सारी ट्रैफिक हो रखा है भाई इस रोड पे, ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा है, थोड़ा सा हम ट्रैफिक कम हो जाएगा तभी दौड़ाएंगे भाई, ऐसे तो फ़ायदा नहीं है, रुक जाओ। गाड़ियाँ आ रही है बहुत सारी यार, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, एक Yeah.
शांति। ओ भाई एमटी भाई एमटी भागी। छुड़वा दिया गाइस एमटी पीछे हो गई यार। कहां यार ड्यूक 200 के साथ रेस लगा रहा है भाई रोशन भाई। गाइस दिक्कत आ रही है ट्रैफिक में क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ी आ रही है और मैं जैसे कि बता दिया भाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया क्योंकि साइड से थोड़ा गाड़ियाँ कम लग रही है और एम्बुलेंस भी जा रही है हमारे सामने। ओ माय गॉड ओ पीछे आ गया। माय गॉड गाइस ओह लास्ट में भाई कि कौन सी बाइक जीती है एमटी 15 या फिर ड्यूक 200। खतरनाक ड्रैग रेस हुई है बट यार ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रखा है ना भाई इस ट्रैफिक में बिल्कुल भी बाइक भगाने का भाई मज़ा ही नहीं है। बाकी आगे चलेंगे दोबारा आगे तो आ ही है फिर से यार सीधा।
गाइस यार अभी बताऊंगा आपको, रिव्यू बताऊंगा कि भाई कौन सी बाइक विनर है, कौन सी बाइक टॉप एंड स्पीड कितनी थी। 135 से मैंने भी भगा रखी है, बट लिमिटर आ रहा है यार, चल आगे चलते। सो गाइस फाइनली देख सकते हो हम अपनी लोकेशन पे आ गए, और रोशन भाई देखो यहाँ पे, रोशन भाई की MT15 और हमारी यहाँ पे 20 लगी हुई है। तो हम रेस करके आए, ड्रैग रेस, और भाई क्या बोलूँ मैं इसके बारे में यार, इसने मेरे को धोखा दे दिया, इसने मेरे को प्यार दे दिया। सो गाइस यहाँ पे ग्रूट जीत गया हमारी ड्यूक 200 से। नहीं जीती, क्यों नहीं जीती? एक बार ही नहीं, तीन तीन चार चार बार ही आगे निकाला। सो गाइस मैं क्या बोलूँ, ये देखो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है। तो है, ये ना आगे इसको ने रोलिंग करके आगे चलाया था, फिर भी मैं इसको पीछे छोड़ देता था। सो गाइस वैसे तो 138 तक चली जाती है MT15, तो आज रोशन भाई ने एग्जॉस्ट के साथ 136 लगा रखी है, तो 2-3 पॉइंट का फर्क पड़ गया। और बाकी मैंने ड्यूक 200 जो मेरी 135 भागती थी, अब वो 130 तक भाई लिमिटर आ जा रहा है। भाई क्या दिक्कत आ रही है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उनको। सो गाइस टॉप एंड स्पीड मैंने जैसे बता दिया 130 तक भागी, जो दिक्कत आ रही है ना आपको, सही में बताऊं कि ड्यूक 200 135 तक ऑलमोस्ट इतनी भागती है। बाकी आप बता देना कमेंट में, जिनके पास भी ड्यूक 200 है बता देना कमेंट में। और MT15 तो 131 तक भागती है, रोशन भाई ने टॉप एंड स्पीड लगा रखी है, बट आज भी उन्होंने टॉप एंड स्पीड लगाई थी, तो 136 और 130 देख रहे हो, विनर यही है। बिकॉज उसका रीज़न बता देता हूँ, जो मैंने व्हील कवर लगाया इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। पहले गियर में 45 भाग रही थी, बाकी आप वीडियो में चेक कर लेना, और रोशन भाई की बाइक तो भाई चीरते हुए जा रही थी। तो बाकी आज का जो विनर है MT15 है, थोड़ा सा मतलब मेरे को लगा, क्योंकि यार मेरे से जितनी बार भी हम ड्रैग रेस कर रहे थे उसमें यही बाइक आगे जा रही थी MT15। और जब भी आप ड्रैग रेस करोगे ना, तो गाइस ये चीज़ हटा देना व्हील का। आज मैंने बाइक बहुत दिन के बाद भगाई है, तो थोड़ा सा डर भी रहता है, और जैसे गाड़ियाँ इतनी सारी आ रही थी, तो गाड़ियाँ इतनी सारी में मतलब कि भगाने का भाई बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था, तो एक डर रहता है ना कि अचानक आप जैसे ब्रेक मारे 120 की 30 की स्पीड में आप बाइक भगा रहे हो और कंट्रोल नहीं हो पाती भाई बाइक बिल्कुल भी, क्योंकि यार बाइक्स पे ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते हो। तो वही चीज़ है कि यार जैसे खाली रोड है ना, वहाँ पे आप आराम से भगा सकते हो, और बाकी आप हाईवे पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक में भगा नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। बट जो अगली बार हम जो वीडियो बनाएंगे ना, तो व्हील कवर हटा दूंगा, उसके बाद भाई दिखाऊंगा कि मेरी जो बीस्ट है ये रूट से भी आगे भागेगी। वीडियो रहेगी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, दो तो रोशन भाई जब फ्री होंगे एक्स जाएंगे हम दोबारा एक वीडियो बनाने। तो बाकी आज की वीडियो यही थी कि ज़्यादा कुछ भगा नहीं पाए, बट जितना बोल सकूँ ना मैं MT15 जीत गए, बिकॉज यार आपको बता दिया रीज़न। तो बाकी आप कमेंट में मुझे बता देना कि ड्यूक 200 बाइक अच्छी है या फिर MT15 अच्छी है। तो आज की वीडियो यही थी, और बाकी कैसी लगी तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, जो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, सेफ राइड।